आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना अब तो सनम, कदे से जरा दूर उस मोड़ पर दो बदन प्यार की आग में जल गए। चमेली के मंडवे तले, दोस्तों वो लोग बहुत लकी होते हैं जो शादी के बाद माँ बाप बन जाते हैं, और उनसे भी ज़्यादा खुश नसीब होते हैं वो लोग जो बहुत जल्दी दादा दादी नाना नानी बन जाते हैं। और आज जिस मशहूर हस्ती की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी 4 जनरेशन्स देखी हैं, यानी अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को अपनी गोद में खिलाया है। और वो हैं पुराने ज़माने के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर और बेहतरीन डांसर, और उनका नाम है चंद्रशेखर। जुलाई 1923 में पैदा हुए थे चंद्रशेखर जी हैदराबाद में। उनके वालिद, उनके पिता बहुत बड़े डॉक्टर थे और उनका नाम था हकीम गौरी शंकर वैद्य। चंद्रशेखर जी की माँ का नाम था रमन्ना और वो हाउसवाइफ थी। चंद्रशेखर जी की एक बहन थी और एक छोटे भाई भी हैं, और उनका नाम है उमा शेखर। उनका अपना स्कूल है हैदराबाद में और उसका नाम है ऑक्सफर्ड इंग्लिश स्कूल। उनकी मातृभाषा थी तेलुगु, लेकिन वो उर्दू, हिंदी और इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते थे, और उन्हें शेर व शायरी का भी बहुत ज्यादा शौक था। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। चंद्रशेखर जी ने बताया कि कॉलेज के ज़माने में मेरे दोस्त मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे और कहते थे, अरे तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो और देखने में भी बहुत हैंडसम, खूबसूरत नौजवान हो, तो फिर यहाँ हैदराबाद में क्या कर रहे हो? अरे मुंबई जाओ और हीरो बनने की कोशिश करो। और मैं मुंबई आ गया। मैंने जब टेलीविज़न पर चंद्रशेखर जी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि तबस्सुम, मुंबई आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। मैं कई बड़े बड़े स्टूडियोज़ के अंदर घुसने की, जाने की कोशिश करता था, लेकिन चौकीदार नहीं मानते थे और मुझे कहते थे जाओ ना, इंसल्ट फील होती थी। फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। एक दिन मैं दादर में खड़ा होकर रंजीत स्टूडियो के शानदार बड़े से गेट को देख रहा था। किसी ने आके कहा, एक्टर बनने आए हो? मैंने कहा हाँ हाँ। तो कहने लगे, आओ मेरे साथ, पहले मैं तुमको चाय पिलाता हूँ। और उसके बाद वो मुझे ले गया स्टूडियो के अंदर। मैंने वहाँ जाके देखा तो रेस्टोरेंट का सेट लगा हुआ था और शूटिंग हो रही थी। उसने कहा, तुम यहाँ बैठ जाओ टेबल पे और जितनी चाय पीनी है पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। मैं तबस्सुम 3-4 घंटे तक उस टेबल पे बैठा रहा और चाय पीता रहा। फिर अचानक आवाज़ आई, पैक अप, और उसके साथ ही साथ वो आदमी भी आ गया। उसने मेरी हथेली पे 1.5 रुपया रखा और कहा, ये लो, ये तुम्हारी आज की पेमेंट है और अब तुम जूनियर आर्टिस्ट बन गए हो। मैंने कहा, हैं? कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हें छोटे मोटे रोल दिलाने की भी कोशिश करूँगा। और उसने रोल दिलाए भी। चंद्रशेखर जी ने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया था बहसियत जूनियर आर्टिस्ट, और उसके बाद कई छोटी मोटी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। लेकिन
बहसियत हीरो सबसे पहले ब्रेक दिया था उन्हें मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर वी शांताराम जी ने 1953 में, और उस फिल्म का नाम था सुरंग, और उनके साथ हीरोइन थी शशिकला। ज़बान खींच लूंगा। हम लोग आपकी तरफ से आने वाली किसी मुसीबत से नहीं डरते। छोटे सरकार हमारे साथ रहेंगे, उस वक्त तक रहेंगे जब तक हम में से हमारा एक बच्चा भी जिंदा रहेगा। बहसियत हीरो चंद्रशेखर जी ने लगभग 20-25 फिल्मों में काम किया। उनमें से एक फिल्म ऐसी थी जिस फिल्म में उनको, यानी शेखर जी को, चंद्रशेखर जी को भगवान दादा के साथ डांस करना था, और वो बिल्कुल नहीं कर सके क्योंकि उनको डांस करना आता ही नहीं था। बहुत शर्म आई और उन्होंने फैसला कर लिया कि सबसे पहले मैं अपनी इस कमी को पूरा करूँगा, और पूरी लगन के साथ उन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत हर तरह के डांस सीख लिए। आज कल तुम कयामत कुछ कम नहीं, जो भी देखेगा दीवाना हो जाएगा, चांद जैसा बदन, फूल सा पहन। चंद्रशेखर जी ने कई सालों तक फिल्मों में काम किया बहसियत हीरो। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए 1964 में वो खुद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए, और उनकी पहली फिल्म का नाम था चाचा चा, और वो डांस पे बेस्ड थी। फिल्म चाचा चा सुपरहिट हो गई, और उसके बाद चंद्रशेखर जी ने 2 साल बाद यानी 1966 में एक और फिल्म बनाई, और उस फिल्म का नाम था स्ट्रीट सिंगर, और उस फिल्म के चंद्रशेखर जी प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी और हीरो भी, और उनके साथ एक नई लड़की हीरोइन थी और उसका नाम था सरिता। चंद्रशेखर जी ने अपने पूरे करियर में लगभग 250 फिल्मों में काम किया, लेकिन 1971 में उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं अब करेक्टर रोल्स करूंगा, और बहसियत करेक्टर एक्टर उनकी पहली फिल्म का नाम था कटी पतंग। नमस्ते, मुझे इंस्पेक्टर तिवारी कहते हैं। आप ही मिसेस पूनम है ना? मेरा मतलब मिसेस शेखर जी। दीवान साहब के जमाने में मैं यहाँ सब इंस्पेक्टर था। पिछले ही दिनों लखनऊ से ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। दीवान साहब कहाँ हैं? जी वो सो रहे हैं। कोई बात नहीं, काम जरूरी है, इंतजार कर लूंगा। चंद्रशेखर जी बहुत छोटे से थे, सिर्फ 13 साल के, तो उनके माँ बाप ने उनकी शादी कर दी 1936 में, और उनकी बीवी का नाम था पुष्पा देवी। चंद्रशेखर जी के 3 बच्चे हैं, एक बेटी रेनू, और वो पैथोलॉजिस्ट है और उसकी अपनी लैब है। चंद्रशेखर जी के 2 बेटे भी हैं, बड़े बेटे का नाम है अशोक शेखर, और वो फिल्म लाइन से और टेलीविजन लाइन से जुड़े हुए हैं, बहसियत प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। चंद्रशेखर जी के सबसे छोटे बेटे का नाम है अनिल शेखर, और वो कई सालों से अमेरिका में, कैलिफोर्निया में वेल सेटल्ड है। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे चंद्रशेखर जी के बच्चों की। उनका एक नाती है और उसका नाम है शक्ति अरोड़ा, और वो बहुत मशहूर टेलीविजन आर्टिस्ट है और कई बड़े बड़े सीरियल्स में बेहतरीन काम किया है। उनका एक पोता है यानी अशोक शेखर जी का बेटा, और उसका नाम है विशाल शेखर, और वो बहुत मशहूर और बड़ा एड फिल्म मेकर है। चंद्रशेखर जी मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं और अक्सर फ़ोन पे हमारी बातें होती रहती हैं। वो कहते हैं, तबस्सुम, तू भी बहुत पुराने ज़माने की है और मैं भी, और हम दोनों जब पुराने ज़माने को याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि चंद्रशेखर जी माशाल्लाह 98 ईयर्स के हो गए हैं, और रिसेंटली उनके पूरे परिवार ने, यानी 4 जनरेशंस ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था वीडियो कॉल पे। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
दोस्तों, चंद्रशेखर जी आजकल मुंबई में रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ और बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।